नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के बारे में जो बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चला रखी है, ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, शोरूम खोला हुआ है, दुकान खोली हुई है, यानी उस कार्यस्थल या बिजनेस एरिया में जहां से वो धन की प्राप्ति करते हैं गृहस्थी चलाने के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। श्री गणेश भगवान, जिनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनकी एक प्रतिमा लगाएं, उसके नियम कुछ बता रहा हूं आपके लिए, बहुत उत्तम रहेंगे। आजमाई भी चीजें हैं और बिजनेस में आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी, नया व्यवसाय भी बढ़ेगा, नया काम भी बढ़ेगा। गणेश भगवान की ये मूर्ति जो है हमेशा ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वहां लगाने चाहिए। गणेश जी की दिशा होती है भगवान की दिशा होती है, इसी कोने में लगाएं या पूर्व की दिशा में लगाएं। हमेशा सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में, कहीं भी लगा रहे हैं, खड़ी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। आशीर्वाद देती हुई, चार हाथ होते हैं उनमें, एक में आशीर्वाद की मुद्रा होती है, और खड़ी हुई इसलिए बोलते हैं कि उनके पैर जमीन पे स्थिर लग रहे हैं तो आपके भाग्य में, सुख में, शांति में, समृद्धि में जो वृद्धि हो रही है वो हमेशा स्थिर रहेगी, वो बार बार रुकावटों के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि व्यवसायिक स्थल में खड़े हुए गणेश भगवान की मूर्ति लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, उमंग रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, काम में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। ये खास बात बता रहा हूं, जमीन पे पैर छूने का मतलब है स्थिरता। काम, बिजनेस, धन, हर तरह के लाभ होगा और उसमें स्थिरता रहेगी, बढ़ते जाएंगे। एक बात और खास याद रखिए कि उनका मुंह कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण की दिशा यम की दिशा होती है, ऐसी दीवार पे ना लगाएं जहां पे वो दक्षिण की तरफ उनका मुंह हो जाए। और इस जो गणेश की प्रतिमा के लिए खास बात बता रहा हूं, उनके एक हाथ में लड्डू होना चाहिए और उनके पैरों पे या कहीं भी उनका जो वाहन है मूषक यानी चूहा जरूर होना चाहिए। अब मुख्य बात पे आते हैं, जो सबसे मुख्य बात है, मुख्य बात है कि इनकी सूंड बाई तरफ मुड़ी होनी चाहिए। इससे कार्यस्थल में तरक्की, वृद्धि, प्रगति होती है, आलस्य दूर होता है, नकारात्मक चीजें दूर होती हैं, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। दो तरह की सूंड होती हैं, एक दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड जिसको दक्षिणावर्ती या सूर्य नाड़ी वाली बोलते हैं, बिल्कुल नहीं लगानी। इनके रीजन ये है कि इनकी पूजा अर्चना बहुत मुश्किल होती है। दूसरी होती है बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड, वाममुखी उत्तर की दिशा की तरफ से पावर मिलती है, छोटी मोटी त्रुटि भी हो पूजन अर्चन में तो ये दूर कर देते हैं। एक ही मूर्ति रखें, बहुत सारी ना रखें, दक्षिण में कभी भी ना रखें, ये याद रखें, दक्षिण की दीवार पे भी ना रखें, सीढ़ियों के नीचे ना रखें, वॉशरूम किचन के आसपास ना रखें। और उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं कि ये गणेश जी की प्रतिमा है, आप ये देखेंगे कि यहां से निकल रही है हमारे सीधे हाथ से बाईं तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं वाममुखी या बाई तरफ मुड़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा। ये याद लीजिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं। और एक निशुल्क सेवा का वादा किया था तो मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कोई समस्या हो, कोई किसी भी तरह की, वास्तु की हो, ज्योतिष की हो, हस्तरेखा की हो, एक प्रश्न भेज सकते हैं निशुल्क, उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमो नारायण।